माफ कर दू साहब, हमें माफ कर दू। अरे बाप रे बाप, ओ हो 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 भाई मकवाना। जी सर। भाई इनके दरबार में तो हमारे जैसे जो कमिश्नर हैं वो तो सलामी ठोका करते हैं ना। जी जी सर जी, रॉयल ब्लड है ना, रॉयल ब्लड है। ओ भाई रॉयल ब्लड, उठो अप्पू सिंह, छोड़ो। नाना गुइया की रॉयल ब्लड है साहब, हमें माफ कर दो, गलती हो गई, हम क्या छोड़ो। अरे मेरी पैंट मत खींचो, ढीली है, उतर जाएगी। उठो। हाँ वाओ, ओके ओके सर, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं हमें माफ कर दो, हम गलती हो गई, हम दिल से हम मांग रहे, बहुत पश्चाताप है, हमें माफ कर दो। और हम सही कह रहे हैं, हमारी कौन रियासत ना है, कौन जमीन जायदाद ना है, गुइया को शाही खून दौड़ रहो, अब कसम खा रहे जिंदगी में ना दौड़ेगो, नॉर्मल खून दौड़ेगो। असल में जी राजेश और अम्मा ने मिलकर एक नाटक खेलो, इन पर ना जाओ जी, सारे राक्षस हैं, अम्मा और राजेश ने मिलकर नाटक खेलो, भाई ना फंस गए हम जाल में। वो बात वो है ना सर जी कि कमिश्नर साहब के मुंह से निकली हुई बोली और बंदूक से निकली गोली कभी वापस जा नहीं सकती। चुप कर। और इस वक्त मैं इंस्पेक्टर हूँ और मकमल मेरा सब ऑर्डिनेट है, हम दोनों ही तुम्हारी बात नहीं मानने वाले हैं। तू कैसे इंस्पेक्टर बन गयो, सीनियर तो जो है। मनोहर सर बहुत तेज है, इनका मुकाबला हम कहाँ कर सकते हैं। देख रहे इनकी कुटिल मुस्कान, देख रहे साहब इन्हें जाला बिछा हुआ। असल में इन दोंगन ने मिलके हम जैसे थाने आई ना, इन्हें साजिश रची, हमें भड़काओ साहब, काफी भड़काओ, इतना भड़काओ कि हमें लगो मैं दिमाग घूम गओ, हम इस्तीफा आपको दे दो। इस्तीफा नहीं, इस्तीफा दिया कहाँ था, मुंह पे मारा था। तो सारे और क्या सबूत है तुम्हारे पास कि हमने तुम्हें भड़काया। देख रहे साहब, जो असल में सच में बहुत जो 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 ये सब थाने को कीचड़, ये बहुत तेज है। अप्पू सिंह, तुमने जो किया वो माफी के काबिल नहीं है। बिल्कुल करेक्ट करेक्ट, आपकी बात 100% सही है, लेकिन फिर भी ये 1% तो सोचो, हमारे घर में नौ नौ ठैया खेलने कैसे चलेगू। अरे तो तुमने पैदा किए हैं, मैंने थोड़ी किए हैं, वो तो तुम भुगतो। बिल्कुल करेक्ट, लेकिन भी आपको भी बहुत अपनों मानती हैं, आपके भी कछु लगती हैं, बड़े पापा बोलते हैं जब हम घर जाते हैं, कहते हैं बड़े पापा कैसे हैं, असल में कहा है भी मतलब वो सोचते हैं कि आप हमारे बड़े भाई जैसे हो। और अम्मा कितना मानती हैं, जो लंबू लंबू गिलास हल्दी को दूध पिलाओ है आपको, आपको अपनों अपनोपन है। सर सर आप मत पिघलिएगा। बिल्कुल नहीं सर, देखो देखो देखो, देखो अबे भी वही काम कर रहे जो इनने कांड आपकी गैरहाजिरी में करो, इन पे बिल्कुल मत जाओ, इनने सच में हमें भड़काओ है, और सारे यही से भड़काओ कि हम मतलब पत्ता साफ हो जी, सारे इंस्पेक्टर बन जाए, साजिश है। है साहब है, मानो। मनोहर क्या बात है, तेज हो तुम, और अप्पू सिंह तुम गधे हो। हाउ हाउ मान रही, आपको जो दिल करे वो बोल लियो, गधा घोड़ा, लेकिन हमें हमें नौकरी पर रख लो साहब, बहुत जरूरत है, रख लो। ठीक है अप्पू सिंह, हाँ मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ, हाँ। लेकिन हाँ। लेकिन अगले 1 महीने तक हाँ। तुम्हारे खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए नौकरी से निकाल दूंगा। ओ नो कमिश्नर सर, आप पिघल गए। शट अप मनोहर, जाओ हवलदार की वर्दी पहन लो। Kid, why are you studying today? You know, my have big surprise for you. हाँ दे दे दे, जय प्रकाश हलवाई की मिठाई दे, और दे भी के सकता से। No no, me not giving मिठाई सिठाई and all. Me giving proposal of my friendship. Papa, my papa telling me truth ki we are really belong from Rajasai family. लो भाई, फिर झूठ। इसकी कहानियाँ खत्म ना होती बस। Kid, घर में धतूरे का पेड़ है? इसको चटा दे, 2 दिन तक चुप पड़ी रहेगी कहानी। अरे बाबा मी नॉट मेकिंग कहानी, माय ग्रैंड पापा रूलर ऑफ पटकापुर एंड पटकापुर नाउ माय किंगडम ऑफ ड्रीम्स। कैट कैट, नाउ मी एलिजिबल फॉर फ्रेंडशिप। बट मी नॉट एलिजिबल फॉर योर फ्रेंडशिप कमलास। व्हाट यार, यू आर किंग कुमारी एंड मी इज न्यू राज, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम हैपनिंग इन दिस फ्रेंडशिप? कमलास मी इज नॉट किंग कुमारी। What? Mother and grandmother told us lie. We're not having any money. Me's not any King Kumari. Me's
कैट डोंट क्राई प्लीज रोते नहीं है यू नो डोंट टेकिंग एनी वाली टेंशन रोने की जरूरत नहीं है एनी वे माई किंगडम ऑफ ड्रीम्स रूल यू नो माई किंगडम ऑफ ड्रीम रूल्स डोंट टेकिंग फ्रेंडशिप विद द किंग कुमारी फ्रेंडशिप विद हेकारी क्या हम भिखारी कितना कंफ्यूजन है यार खुद ही तो बोल रहे वीर भिखारी व्हाट इज द प्रॉब्लम अबे भिखारी बोलेगा हमको इधर 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 पटकापुर राजा नहीं पटकापुर का राजा थारे को पटक पटक के पटकापुर का राजा राजा तुम कहाँ जा रहे हो कसम से कह रहे इतना देर भाई भागे की पड़ती थे हमारे पास चलो छोड़ो जान दो 10 मिनट तो बैठो यार तनक सुनो तनक हमारे पास बैठो बढ़िया मीठी मीठी बातें कर लें हमें खूब पता है तुम्हें बातें ना सिर्फ बातें करनी है ना ना अरे यार तुम से तो हमें खूब सारी बातें करनी तुम तो हमारी चांद हो जो तुम चांद चांद बोल के ना घर में 9 टुकड़ा चांद के भी खेल दे तुमने अरे यार जो तुम एक बात एक सेकंड तुम जल्दी जाने की पहले है सुनो अगर हमारे पास थोड़ी देर बैठ लोगी अभी थाने में भी देर है थोड़ी देर प्यार से बातें कर लोगी हमारे पास टाइम बिता लोगी है हमारे साथ तो कब पहाड़ टूट जाएगी आओ पहाड़ी टूट जाए तुम्हारी अम्मा सवेरे उठते ही अपनी निगाहें हमारे कमरा पे टिकाए देती है हाँ सवेरे उठते कहा चाहिए उन्हें चाय फिर हमें कहा धमकी देती है बहू हम जाके मंदिर पे बैठ जाइए चाय नहीं दियो तो बताओ एक बात तुम हमें बताओ हमें तुम्हें 36 बार समझाई कि नहीं हमारे तुम्हारे जब भी रोमांस के कीड़े कुल बुलाएं या प्यारी प्यारी बातें हो रही हो तो बीच में तुम अम्मा को ना घुसाए करो लेकिन देखो अभी ऐसी दिखत रही हो जब ऐसे देखती हूँ ना कसम से तुम्हें आंखें कितनी सुंदर लग रही देखो ऐसी हमें खूब समझ में आ रहे हो जहाँ तुम्हारी अम्मा की बात हमने कछु करी तुमने तुरंत टॉपिक चेंज कर दो आंखें खूबसूरत लग रही गई आंखों से तुम्हारी चीर फाड़ कर दी है खराब हो जाती है तुम तो प्यार से बात करो करो अच्छा हम क्रांति करते हैं तुम्हारी अम्मा बड़ी शांत है जैसे एक दिन तुम एक दिन गुजार के देखो अपनी अम्मा के साथ हाँ इतना तुम्हें ताना दिए ना तान से तुम्हें खून निकल रहा है ये एक बात कहें लेकिन अम्मा हमारी तुम्हें लेकिन प्यार बहुत करती हमें लगता है कई बार के ससुर हमसे ज्यादा तुम्हें चाहती है वो कितना चाहती है हमें खूब पता है ठीक है ना कुछ ज्यादा ही प्यार करती है वो सवेरे से लेके हम पे इतना प्यार बरसाती है ना कि शाम तक उनके तानन की बरसात में ना हम एकदम भींग के पत्थर हो जाते हैं ठीक है हमें तो समझ में आया उन्हें गले में कौन सी मोटर लगाई है बाकी बैटरी लोई ना होते दिन भर पड़ 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 चलता रहता है हंसो ना तुम अच्छा ठीक है आओ आओ जवाब तो तुम सही कह रही जवाब सही कह रही लेकिन कितना कमाल को ऑब्जर्वेशन है अम्मा को मतलब बिल्कुल बात सही है तुम्हारी तो जा समझाओ ना अपनी अम्मा को सही है तो हाँ कितना एक शांत रहा करें ऐसे रहियो तुम ऊपर करियो नीचे करियो ऐसी है जो ये तुम्हारे चेहरा पे अचानक से ऐसी लाइनें लकीरें और हल्की हल्की इतने गड्ढा सिखाई आ गए कहाँ पे आए हैं देखो देखो रेखा सी दिख रही देखो ये ऐसी रेखा सी आ रही ज्यादा कैसी रेखा है अरे जी बिल्कुल वैसी देखो अबे भी अरे जी वैसी रेखा है जैसे वो छगन चाचा है ना अपने पड़ोस में उनको ऐसा ही है गड्ढा से लकीर लेकिन उनकी ठीक है यार भी तो बुढ़ा गए ना ससुर रज्जू तुम तो अभी जवान हो ध्यान रखो ये क्या कर रही तुम है बहुत बहुत दिख रही है तो अब एक बार तुम कछु हमें बोल के दिखाइयो क्या बोले नहीं मतलब तुम जब बातें करती हो तो ज्यादा अपनी आंखें फैलाती सुकोड़ती मुंह ज्यादा मतलब मांसपेशियां फैलाती सुकोड़ती हो का ना ना एक काम करो तुम कछु अबे बोल के सुनाओ कछु भी जैसे तुम नेचुरल बोलती हो चलो यही बोल दो ही दिए मुंह में बोलो दो ही मुंह में फैल गई देखो नाक घुस गई अंदर भिरकुटियां ऐसी सुकोड़ गई देखो ये लाइनें 5-6 तो 17 हमें दिख रही अब देखो यही चीज तुम ऐसे बोल सकती थी दो ही दिए तुम्हें मुंह में कैसा कछु सुकड़ी है भाई देखो दो ही दिए तुम्हें मुंह में बोलो
बिल्कुल नहीं फैली लज्जो। आज से हम थाने जाए चाहे ना जाए सस्तों में जाको ध्यान देने, ऐसे अगर बोलोगी कसम से कह रहे सारो 60 साल तक जवान रहोगी। अब ध्यान दो, कहो हाँ, बोलो दरोगा जी हाँ, हाँ दिए फिर से हो दिए हो दिए हाँ। अब बता तुम अम्मा की बात का कह रही थी, हम कछु नहीं कह, तो फिर बोलो कुछ नहीं कह रहे थे, हम कछु नहीं कह रहे थे, कछु कह रही थी अम्मा की बात, तुम वैसे कछु नहीं कह रहे थे, हम चाय बनाने जा रहे हैं, खाओ बना लो, ध्यान दो लेकिन रज्जू है छोटो मुंह खोल ले, बड़े से कौन लेनो देनो ना है। बोना मैं बिल्कुल, लेकिन एक बात है ससुर जी, रज्जू और हमारी अम्मा ये सारो पिछले जन्म में भी हमें लग रहा हुआ बिलैया आती हैं कि चूहा आती हैं कि नवला, मतलब सारो कचर कचर लड़ती ही हैं, घर की जान दिखलाने, अब एक ही है उपाय, या तो कौन बढ़िया तगड़ू वालू व्रत करवाने पड़े और या फिर सारो कौन तगड़ी पूजा पाठ मम्मी। अच्छी लुगाई मिली, दो ही दिए तुम्हारे मुंह में दादा, लेकिन जैसी है बढ़िया है। बताओ कैसी आलस की पुड़िया बहु पल्ले बंदी है, सवेरे से एक कप चाय ना पिलाई नास बेटी ने, हमाओ तो कछु मोल ही ना, रद्दी के भाव बेचता। आह का शांति, अरे शांति, अरे शांति कैसे हो ये बबीता ना, अरे जब घर के लोग जो पूरा घर ना सर पे उठा ले तो कैसे हो सकता है, अरे हम तो बहुत ही कोशिश करते घर को जोड़ के चलन की, अब पर बाकी के लोग ना जे बखिया को एक एक धागा निकाल निकाल के नोच के फेंक देते ना, तो हम कहाँ तक सिले तुम्हें बताओ ना। अरे ना ना हमारी अम्मा के जबान पे भले ही कितनो नीम घिसी हो पर दिल की बेचारी बहुत ही अच्छी है। वहाँ पर सही बात है, अच्छाई को कहाँ अचार डाले हाँ, जब घर ही आसान तो का? अच्छा सच्ची में इतना पावरफुल है जबरत, पर जे व्रत किने करने हैं सास को? अरे ना 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 हमारी अम्मा को भले ही मन में बहुत ही प्यार हो परिवार के लाने पर इतो बड़ो त्याग नहीं कर पाई है, वो बहुत कठिन है ना, हम कर लिए। अच्छा हमारे करबे से असर नहीं हुए? अरे थोड़ो तो है, हम कर लिए। अच्छा चलो हम रख रहे हैं अम्मा को चाय बनाने, यहाँ देर हो रही है। हाओ 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 ठीक है हाँ। अरे अम्मा तुम कभी आई? कर ले जी भर के हमारी बुराई अपनी सहेली से। ना अम्मा वो तो ऐसी बात कर रहे थे बस। कौन से व्रत की बात कर रही थी? और अम्मा हमें ना 24 घंटा घर की सुख शांति के लाने व्रत करना है। घर की कौन सी सुख शांति भंग है गई है, अब चार बर्तन साथ में रहेंगे तो बजेंगे ना। अम्मा बात चार बर्तन की ना है, हमारे घर में पूरी किचन बजत है। और ये बात तो तुम जानती हो ना अम्मा, कछु ना कछु तो उपाय निकालने पड़े ना जाको। तो ठीक है हम व्रत धर लेंगे, तो को महान बनने की जरूरत ना है। अम्मा तुमसे नहीं होए पाए जे। ऐसो भी कहा है जो हमसे ना होगा? मौन व्रत करने हैं। 2 मिनट बिना कोसे तुम्हें सांस ना आती है, 24 घंटा बिना बोले रह लियो। ना ना ये बात तो सही है कि तो को गाली देने से हमारी जबान की खुजली ना थोड़ी कम है जाती है, लेकिन हपुआ और बच्चन के लाने हम जे त्याग भी कर देंगे। का जोड़ घटानु चल लो अम्मा। हपुआ हम 24 घंटे को मौन व्रत रख रहे हैं जा परिवार की सुख शांति के लाने, और जे हमारे आखिरी शब्द हैंगे। अरे अरे अम्मा तुम जे कैसी बातें कर रही, यह सुना गजब करियो, जा पे लगाम कौन कसे हो तुम ही तो हो। ना ना बहू की सहेली ने फोन पे बताओ कि सास व्रत रखती हैगी ना तो ज्यादा पुण्य मिलतो है, तो हम व्रत रखेंगे और जे हमारे आखिरी शब्द हैंगे बस। दादी मैं भी रखूंगी आपके साथ व्रत। माय डियर चमची यू लुक वेरी स्मॉल बट यू नो यू हैविंग अ लॉन्ग टंग, वेयर आर यू हाइडिंग इट होल डे? जे का बोली ना चमची ना
छोटी से लेकिन इसकी जो लंबी जुबान से उसे कैसे चुप रखेगी पूरा दिन, यो कह रही से दीदी। पर अम्मा अब देखो अगर तुमने तय कर लो है ना तो हम बीच में टांग नहीं अड़ाई है, तुम धर लो मौन व्रत। अड़ंगी डाल के गिराने वालों अपनी टांग ही ना अड़ाए, जब आज ससुर पल्ले ना पड़ी। चाय नाश्ता तुम्हें सब दे दिए ठीक है, अभी आ गए बस। गुड मॉर्निंग दादी। कहाँ है? तुम जो बता, जो सवेरे से का जलेबी सी तल रही और जो उनकी सहेली से फोन पे लंबी लंबी हाँक रही ना तुम। ऐसे हो बेटा फोन बंद है। फोन तो हम ठीक करा देंगे लेकिन तुम जो घर वालों को कब बनानो बंद करोगी? पिछले जन्म में बिलैया आती। तो ससुर कहूर हो हमारे साथ में बोनिया ही ना हो रही है, निछावर बिल्कुल कम होती जा रही है और यही चक्कर में ससुर हम दसवीं की प्लानिंग ना कर पा रहे, मार्केट को चक्कर लगाया है का एक ठैया। से खड़ा रहे। अरे जो ऐसे कौन को पकड़ के ले आओ? सर जी बाजार में ना किसी का बटुआ छीन के भाग रहा था, जान पे खेल के पकड़ा इसे। काय बे सारे तू ऐसे कैसे दिन दहाड़े चोरी कर ली? सर जी दिन दहाड़े चोरी कैसे होती है आपसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है। काय बे साले हमारे इलाके में चोरी कर रहे तो कोई शर्म ना रही? दरोगा अप्पू सिंह के इलाके में चोरी? बिल्कुल ठीक कहा दरोगा साहब आपने, साले मैं कमिश्नर का साला हूँ। क्या बात कर रहा हूँ कमिश्नर को सालो? यकीन नहीं हो रहा तो फोन मिला लो, अभी ट्रांसफर हो जाएगा। अरे दादा जो हमने हमें इन्फॉर्म कर वो भूल गए हुए, भी जरूर हमें बताती। बैठो बैठो। असल में मकवाना हमें हल्की सी शक्ल देख के लगो कि कछू दूर को रिश्तों तो है, जो ना पता तो जो सालो है। सर जी बैंगन और भिंडी एक जैसे कैसे हो सकते? ये जीजा साला एक जैसे कैसे हो सकते सर जी? कोई बात नहीं, सुनो बकवास न कर, हमें सब ज्ञान है, तू ठंडू लेके आ। सुनो और कछु ले लस्सी बस्सी। अप्पू सिंह साहब जैन 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 तेरा कमाई तारीफ कर दी हैं साहब। आपने बताओ ना आपको सालू आने वालू है इस चौकी में? साला आओ। कौन साला? किसका साला? जो खड़ो सामने आपको सालू। कौन है ये? कौन ही ना जाने हमसे कही कि जो आपको सालो है, जूने स्वयं अपने मुंह से बोली ने जब बात आपको सालो है बोलो। अप्पू सिंह तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? किसने कहा कि ये मेरा साला है? अरे जाने खुद कही साहब, तभी से तो हम दबा रहे जाके कंधा दबा रहे जाके आवा भगत में जुड़ गए। हमने तो ठंडो भी मंगवाओ, नमकीन नमकीन भी पूछी थी कि नहीं। शट अप। सर जी इसको मैंने बड़े बाजार में ना रंगे हाथों बटुआ छीन कर भागते हुए पकड़ा है, सांस फूलगी सर जी इसको पकड़ते पकड़ते। मकवाना अप्पू सिंह साहब तुम्हारे अंदर अक्कल नाम की कोई चीज है या नहीं है? है साहब। कल को अगर कोई कहेगा कि वो हमारा बाप है तो तुम क्या करोगे? आपकी अम्मा को फोन लगाएंगे। कोई भी चोर उचक्का आकर झूठ बोलेगा तो तुम मान लोगे? ना ना हमें असल में लगो साहब। क्या लगो? लगो क्या लगो? सॉरी अप्पू सिंह पहली बात तो ये है कि तुम्हें पुलिस में भर्ती किसने किया मुझे पता नहीं है, तुम्हें कोई भी आसानी से बेवकूफ बना सकता है। अपने आंख और कान हमेशा खुले रखा करो और आहिंदा सुनो, आहिंदा अगर कोई आकर ये कहे कि वो मेरा साला है तो उसकी दुगनी धुलाई करो, समझे तुम? दुगनी धुलाई करोगे? दुगनी 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 करेंगे। कुछ सीखो मकवाना से। सारे अब तो तेरी हम सच में दुगनी धुलाई करेंगे। एक तो झूठ बोलोगे कमिश्नर को सालो, ऊपर से दरोगा अप्पू सिंह के इलाका में चोरी। सारे लेके जा मकवाना जाकर सारे को पकड़ पसंद। अरे मोटे डंडे से दहिए पिछवाड़े में। अरे मुझे क्या पता आपकी अकल घास चढ़ने गई है। सारे लेके जा सारे। आरो हेलो हेलो हम बोल रहे तुम्हारी डार्लिंग।
सुनो एक बहुत ही बड़ी मुसीबत हो गई, हमारा फोन ना मिल रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, तुमने हमें रोटी पराठे में लपेट के दौतों का थाने में ले आए काम फोन? और तुम जो कौन के नंबर से फोन कर रही हो? अरे जी तो मैं ना कुमार पान भंडार उन्हें को फोन से कर रहे है। हमें लग रहा कहू ने हमारा फोन चोरी कर लो है। तुम्हारा फोन चोरी हो गया कैसे? हमें क्या पता, चोर ने हमें ट्रिक थोड़ी बताई है। तुम कैसी बातें कर रहे हो उलझुल? तुम कहाँ से चोरी हो? तुम कहाँ पे हो? निराला नगर में है हम। तुम निराला नगर का है कि तुम बहुत निराली औरत हो? तुम्हें 10 बार का ये वो रास्ता खाली रहते हुए कांड हो जाते हुए चोरी चकारी ज्यादा होती है, उतनी खरीदना तुम्हें सब कछु। हम फोन मिल गए ना। अच्छा तुम सुनो खोपड़िए रखा रखो फोन, हम तफ्तीश कर रहे, तुम घर पहुंचो आराम से, रखो फोन। हाँ ठीक है, राधे राधे। मकवाना है सर जी। बताओ कांड हो गए, बीबी को फोन सुसारो को लेके चंपा तो गो है जी। हाँ तुम पहले जाको तो पूछ के धारो, जाको अंदर करो, तुम हमारे साथ चलो। चल